मैं बहुत बेताब थी। मैं कहती थी अल्लाह वो कौन सा वक्त होगा एकदम आए, कि मुझे दिल में था हसरत थी कि इंशाल्लाह आएंगे, उम्मीद थी। जी जी उम्मीद थी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज मेरे दिल में बहुत ही खुशी है और मैं बहुत ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को ऐसी और सारा तौफीक दे कि आप लोग और लोगों की इसी तरह मदद करती रहे। आंचल में खुशियां समेटे हुए, आँखों में आंसू बिखेरे हुए, अपनों से रिश्ता दिल तोड़ता ही चला। जी ख़वातीन हज़रात, और मेरी तमाम सहेलियों, आज मैं एक ऐसी सहेली से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिनसे 2 महीने पहले मेरी दोस्ती हुई और बहुत अहम दोस्ती, इसलिए क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दुआएं कर करके, आई हैव नो वर्ड्स। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं जैसे ख्वाब अल्लाह ने मेरा पूरा किया, क्योंकि बहन की शादी देख के इंसान की आंखों में वाकई आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इनकी बहन की शादी हो, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनको इनकार कर चुके हुए थे, और फिर इनकी शादी हुई इस तरह से, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह ज़ैनब अब अपने घर में बहुत खुश है, और हमारी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह मियाँ उसको हमेशा इसी तरह से खुश रखे। आई नेवर वांटेड टू क्राई बिकॉज ये बस एक खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अपनी बहन को देख के कि वो जिस तरह से विदा हुई और जिस तरह से खुशी के साथ अपने घर गई, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। आज से 2 माह पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये नमाज़ पढ़ी थी, जब हम लोगों ने कॉल बैक की इनको, तो इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि हमारी तरफ से इनको फ़ोन आ जाए, क्योंकि हमारे शो का कुछ फॉर्मेट ऐसा है कि हम कॉल बैक करते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं जो उनके दिलों में होता है। तो जब मैंने इनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ कर रही थी और आपका फ़ोन आ गया, इसका मतलब है खुदा ने मेरी सुन ली। और मैं ही सोचती हूँ कि मैं दुआ करती थी अरब में तेरे बंदों के काम आ सकूँ, और जब वो दुआ पूरी होती है तो आई थिंक शायद ऐसी फीलिंग्स होती हैं। अच्छा जी, तो बताएं कैसे बहन विदा हो गई, अब खुश है अपने घर पे, कैसा एक्सपीरियंस था शादी का जब सब हुआ? और ये वो मैं बताती चलूँ कि मेरी सहेली जो है ये कराची से स्पेशली आई है यहाँ पे शुक्रिया अदा करने के लिए, क्या कहेगी बहन रजिया? पहले तो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर अरूज बाजी आपका, आपकी पूरी टीम का, अल्लाह के बाद आपकी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करके, आपने बाकी दिल से बात सुनी है, जैसे सुनने के हक होता है आपने अदा किया है। नहीं, मैं रात दिन दिल से दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए, बस ये ख्वाब था जो लोगों ने मेरी बहन का रिश्ता ठुकराया था, जिन लोगों ने नहीं लिया था, मैं आज उनको देखे, उन लोगों ने अपनी आंखों से देखे, उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स किए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ज़ैनब की ऐसी शादी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, वही बात है कि ज़िंदगी में आप जो चीज़ें सोचते नहीं हो, मगर जो रब से आपकी दुआओं का सिलसिला होता है ना, और कोई सुने ना सुने, लोग समझे ना समझें, मगर आपके जो इर्द जो अल्लाह की ज़ात जो होता है वो हमेशा आपको सुन रही होती है, और फिर अल्लाह सब ठीक कर देता है। भाई कैसा लगा आपको शुरू में जब हम लोगों ने कॉल किया, तो आपको लगता था कि ये जो ऐसी ड्रामेबाजी है या कुछ ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता? नहीं मैम, बीच में ऐसे कभी कभी फीलिंग्स होती थी, लेकिन जब सोचते थे तो देखते थे प्रोग्राम लोगों के, तो उसमें लगता था कि इसमें कोई ऐसी दिखावे वाली चीज़ नहीं है, एक्चुअल हकीकतन ही ये करते हैं, और जो जो हमने देख लिया, हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने, लोगों ने देख लिया कि जो ये बात कहते हैं ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है, हकीकतन इस पे असर भी होता है, इस पे अमल भी होता है इस पे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जिस वक्त ये सारा सिलसिला हो रहा था और लोग आपकी तरफ आए, जो हमारे ऑफिस A+ कराची का जो ऑफिस के जो हमारी पूरी टीम थी वो जब आपकी तरफ आए और सारा ये सिलसिला शुरू हुआ, तो लोगों ने कहा नहीं कि किस तरह से तुम TV के ऊपर शादी कर रहे हो, या कोई ऐसी बात तो नहीं की किसी लोगों ने? हुई है बातें ऐसी। जी ऐसी बातें हुई हैं। अच्छा, बस वही लोग फिर इतने खुश हुए, हद से ज्यादा खुश हुए। अच्छा, क्या बातें लोग करते थे? लेकिन वही बात है, लोग तो बातें
उनका काम ही बातें करना है, क्या कह रहे थे? बातें तो अजीब तरह की, जिस तरह के जेन थे, जैसे लोग सोचते, हर बंदे डिफरेंट अपने सोच के हिसाब से की, लेकिन हमने किसी की बात को वो सीरियस में नहीं लिया, सीरियसली नहीं, क्योंकि हमने अपना एक वो फर्ज अदा करना था, जिसमें अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने A+ की टीम का, हाँ कबूल है कि टीम का हमारा वसीला बनाया, और उसके ज़रिए अल्लाह ने हमारा इतना बड़ा बोझ उतारा था, हमें लोगों की बातों उसको से कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अच्छा, जो आपकी साली है ना, इनकी जो बहन जी, है, सही, तो आपकी मदर और अम्मी अब्बू जो हैं वो नहीं, अब्बू हैं, अम्मी की डेथ हो गई भी, तो आपने आप की जो साली हैं वो आप ही के साथ रहती हैं? ये हमारे साथ ही रहती थी, हमारे पास ही छोटी सी थी जब, क्योंकि इनकी जो अम्मी है मेरी खाला लगती थी। अच्छा, सभी खाला कजन भी हैं। तो जब हमारी शादी हुई तो वो फिर तब से हमारे पास ही हैं। अच्छा अच्छा। और ये सबसे बड़ी बहन है, बाकी जिनकी जो बहनें हैं उनकी शादी भी इन्होंने ही की है। अच्छा, तो ये आखिरी थी? जी, आखिरी तो ये आखिरी जो है वो इसकी बहुत लकी किस्मत थी कि आप लोगों ने इतनी अच्छी करवाई कि हमें ख्वाब भी नहीं था ऐसा कि कभी ऐसे होगा। और आपकी जो बहन थी वो भी बहुत परेशान थी और बहुत रोती थी, वो थोड़ा सा बताएं देखने वालों को कि क्या उनकी। मेरी बहन बहुत रोती थी, उसकी ख्वाहिश थी कि या अल्लाह ऐसी शादी हो जिन लोग मेरा रिश्ता नहीं कबूल करते थे, नहीं देते थे। लोग कबूल नहीं करते थे इसलिए क्योंकि आप लोग दहेज नहीं दे सकते थे। अच्छा, तो ये कहते थे कि हम नहीं करेंगे क्योंकि आप दहेज की वजह से, गुर्बत की वजह से। सही, आप ही देखें कि बहन मेरी माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, मैट्रिक करवाया मैंने खुद, डिप्लोमा करवाया सिलाई कढ़ाई में मैंने उसको। सही, तो माशाल्लाह बहुत, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, आपकी टीम को रात दिन दुआएं देती है। तो ब्याह के कहाँ गई है वो? कराची में गई। अच्छा, कराची में ही है। तो क्या काम करता है उसका? का मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। सॉरी, मोबाइल रिपेयरिंग। अच्छा, रिपेयरिंग का काम करता है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, नदीम चौधरी साहब का को थैंक्स बोलूँगा कि वो बहुत ही एक वो कैंड इंसान है, वो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से हमारा उन्होंने बात सुनी, हमारे बहुत समरसत कोऑपरेट किया, और खुसूसन A+ की जो हाँ कबूल है की टीम है वो बहुत मेहनती है, और उन्होंने बहुत मेहनत से हमारे साथ जो शादी भी सेलिब्रेट किया। बस हमारे ऐसे तो हम अपने रिश्तेदार जो थे वो भी ऐसे नहीं करते जैसे इन्होंने हमारे साथ वो किया, हमें बिल्कुल किसी जगह भी कोई अपनों की कमी महसूस नहीं, बिल्कुल हम आपकी और जितनी हमने ठोकरें खाई हैं, जितनी जगह से हमारी वो बेटी का जैनब का रिश्ता टूट चुका था, हमें आखिर पे उसका किसी पे कोई पछतावा नहीं मालूम हो, अल्लाह की जात ने, और हमारे जख्मों पे वाकई ही इन्होंने एक वो कहते हैं मरहम रखा है, और हमारे जख्म जो इन्होंने वो धोए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों की आमद का। हमारी दुआ है कि हमारी बहन जो है वो अपने घर में हमेशा सदा खुश रहे, यही है, बाकी दुनियावी चीज़ें तो होती रहती हैं, जहेज भी चला जाता है, हर चीज़ हो जाती है, फंक्शंस भी हो जाते हैं, मगर सबसे अहम चीज़ ये कि अपने घर में खुश रहे। इसी दुआ के साथ हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आज हम आपको आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फैशन के एक बहुत बड़े आइकॉन से, उनसे मुलाकात होगी और बहुत सी बातें होंगी आफ्टर दिस ब्रेक।